बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने के लिए आज ममता बनर्जी से मिल रहे हैं, उसके बाद वो अखिलेश यादव से मिलेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एस टी हसन साहब हैं। हसन साहब, विपक्षी एकजुटता जो है वो उसको धार देने के लिए नीतीश कुमार ममता जी के पास जा रहे हैं, फिर अखिलेश जी से मिलेंगे, क्या उम्मीद है आपको? देखिए, विपक्षी एकजुटता इस वक्त की पुकार है, जनता की पुकार है। आपको याद होगा 34% वोट के ऊपर ये सरकार बनी और इसने जनता को छल लिया। 66% वोट वाले विपक्ष में बैठे हैं, तो विपक्ष की एकजुटता होना नेचुरल भी है, होना भी चाहिए। तो आपको उम्मीद है कि अखिलेश यादव जी से और ममता जी से मिल करके नीतीश कुमार जो हैं वो विपक्ष को 2024 के लिए एकजुट कर लेंगे? पूरी उम्मीद है हमें इस बात की कि विपक्ष एकजुट होगा। 2024 तक सबको एकजुट रहना है और जहाँ जहाँ प्रदेश की सरकारें हैं, जहाँ जहाँ एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, उसका भी कोई ना कोई फार्मूला निकाला जाएगा। भाजपा के नेताओं का ये कहना है कि विपक्ष चेहरा कौन किसको लाएगा, कि इनमें आपस में ही जो है वो एक राय नहीं हो पाएगी चेहरे को लेकर के, नेतृत्व कौन करेगा? देखिए, मसला ये है कि विपक्ष में बहुत चेहरे हैं। अच्छा, अब सबकी सहमति से एक चेहरा सामने आ जाए। अच्छा, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में नगर निकाय चुनाव को संबोधित करते हुए रैली को, चुनावी रैली को, ये कहा कि उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उसकी मिसाल देश भर में दी जा रही है। अभी आपने चंद दिन पहले कानून व्यवस्था का एक एग्जाम्पल देखा जी, दो हत्याएं हो गई पुलिस की कस्टडी में जी जी, और ऐसी हत्याएं जो कनपट्टी पे सटाके पे जो है गोली मार दी गई। ठीक है, अगर कोई आदमी अपराधी है, कानून उसको सजा दे, अदालतें उसे सजा दे। आप अपने अखबार उठा के देखिए 15 दिन के जी, और आप उसमें जितने भी क्राइम्स हुए हैं उसका आकलन कर लिए, मालूम हो जाएगा कि हमारी कानून व्यवस्था कैसी है। तो आपको क्या लगता है कि जो वो कानून व्यवस्था की मिसाल दे रहे हैं वो ठीक नहीं है उत्तर प्रदेश में? देखिए, लोग दहशत में डरे हुए हैं, कानून व्यवस्था के मामले में सब चीज़ आपको मालूम, मुझे भी मालूम है, कहीं कोई कानून व्यवस्था ठीक नजर नहीं आ रही। योगी जी कह रहे हैं कि अतीत की अतीत की बात हो गई, माफिया राज, गुंडा राज जो है उत्तर प्रदेश में, अब अतीत की बात हो गई है। देखिए, अगर वो वाकई माफिया थे, कोर्ट इस बात को कह देता कि माफिया आई है, या एक केस में उनको कन्विक्ट भी करा है, तो जाहिर है जब वो खत्म होगा तो खत्म ही होगा। आपको नहीं लगता कि मतलब कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सही है, आप सहमत नहीं है मुख्यमंत्री? मैं सहमत नहीं। देखिए, सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात है उससे सहमत नहीं हूँ, प्रदेश की कानून व्यवस्था की मिसाल जो दी जा रही है देश में, वो कह रहे हैं कि ये गलत बात है, कानून व्यवस्था से वो सहमत नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।